जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ध्वजारोहण के लिए तैयार है। Oh,
आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। May we now invite Tarunima from BCP1A with her Hindi speech on our 77th Independence Day. साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिवादन आदरणीय प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि श्री विद्यानंद पासवान जी अन्य अतिथिगण शिक्षकगण वरिष्ठ और मेरे प्रिय मित्रों, मैं तरुणिमा भारत की बेटी गौरवान्वित हूँ कि मैं गोरी नहीं ना बुरी हूँ ना मुसलमान ना ईसाई हूँ। भेद ना अमीर ना गरीब का है, गौरव केवल भारतीय होने का है। भारत जो आसमान से ऊंचा सबसे विनम्र और सबसे महान है, केवल यही तो हमारी पहचान है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, भूमि जाकी धरा है, माँ है और माँ स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत के सफलता का ये सफर 0.0 से लेकर सबसे अव्वल तक का है। सती प्रतिबंध से चंद्रयान 3 तक का है, स्वयं मंदी से मंदी में प्रदाता तक का है, अवसाद से आजाद तक का है। और ये आजादी कुर्बान हर देशभक्त के नाम जिन्होंने ये औचित्य सिद्ध किया कि वो हमसे पहले क्यों आए थे, जिन्होंने स्वयं चेतावनी स्वीकार कर हमें मिसाल दी, जिस मिसाल को मैं कुछ पंक्ति द्वारा हम सब में पुनः स्थापित कर विदा लेना चाहूंगी। तो ये हम सब में प्रतिष्ठित उस देशभक्त का आवाहन कि है भारत जो सबसे ऊंचा, उस भारत के नाम जगे, कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिस अहिंसा के चरखे से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता हुए फौजे सात समुंदर पार गई, उस वीरों के भारत का महाबोधि बलवान जगे, और आजादी के चरणों को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, ये भारत की संतान जगे, ये भारत देश महान जगे। धन्यवाद। On this auspicious day and a special moment, as our new cabinet and council members take their oath, shouldering their special responsibilities in the college, I earnestly request you all to pray for God's blessing and send your Ashirvad upon them so that they execute their responsibilities with utmost commitment, sincerity, prudence and courage. Kindly stretch out your right hand towards the congregation and repeat after me. I आयुष केस, प्रिया ज्ञान फ्रांसिस, अच्छु शर्मा, अदिति नयन, आयुषी कृतिका, प्रीति आर्या, विद्या भारती, श्याम रवि, प्रतिष्ठा, कोमल, सूर्य शाहिद, प्रिया, स्नेहा जी, खुशबू कुमारी, प्रिया सोनी, देवांशी पलक, ईशा, अर्पिता, श्रेया, आयुष लाल, राहुल, युवराज, रोहित कुमार, कन्या वर्मा, सत्य, मुत्राफिन, शुभम सिंह, रोहित कुमार, यश, शिवाचु राज, अयोग कुमार, सिद्धांश। Do solemnly swear in the presence of God and this assembly to abide by the rules and regulations that govern St. Javier's College of Management and Technology and will diligently execute the position of Student Council Representative and will uphold, promote, and support the goals and objectives of Jesuit education. I will serve as a positive role model, leader, a
and a voice, for the student population, and the management. Jai Xavier's. So, emotions, let us now invite the members of Xavier's Theatre Club with their drama on the sacrifices made by our great freedom fighters. आज आजादी के 76वें साल पर हम आजादी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है? ये आजादी हमें यूं ही मिल गई है? जी नहीं। भारत के वीर सपूतों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की हंसते-हंसते कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आजाद इन्हीं वीर सपूतों में से एक थे। आज इस लघु नाटक के द्वारा हम इसी वीर क्रांतिकारी की शौर्य गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा ग्राउंड खाली करके नहीं गए तो तुम सबों को शूट करवा दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फायर पकड़ो। 20 दिसंबर सन 1921 एक 16 वर्षीय बालक को काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी जाती हैं और फिर मुकदमा शुरू होता है। सर, यही वो मेन लीडर है जो हमारे अगेंस्ट पूरी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा था। ओके, तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारी माँ का नाम? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर? जेल खाना। तुम काम क्या करता है? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। ऐसा जवाब क्यों देता है? जानते नहीं ये अदालत है? मेरा जवाब सही है। क्या तुमने हमारे सिपाहियों पर हमला किया? हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। तुमने हमारे सिपाहियों पर हमला करके सही नहीं किया। आखिर तुम चाहता क्या है? आजाद नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। इना फिजीना, सिपाहियों इसके खपरे उतारकर इसे अभी के अभी 1500 मारे जाए। बहुत आजादी का खून है तुझमें, अब देख तेरा खून कैसे सुखाता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बालक कोड़े खाता रहा, हर कोड़े पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। उसका पूरा शरीर लहू लुहान था पर उसके मुख पर एक भी शिकन नहीं थी। आजाद भाई, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं भगत सिंह और मैं खुदीराम बोस, हम सब आपके साथ हैं और ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और भारत माँ को आजाद कराने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। आओ हम सब साथ मिलकर शपथ लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भगत सिंह, तुम आजाद और तुम्हारे बाकी के साथी ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बंदूकें और बम लेकर पुलिस वालों पर हमला करने से ऐसे हमारे देश को आजादी नहीं मिलने वाली है। हमारा मकसद आजादी नहीं है लाला जी। ये क्या बोल रहे हो भगत सिंह? हमारा मकसद सिर्फ आजादी नहीं है। आजादी का मतलब क्या? हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से निकलकर रईसों और अमीरों के हाथ में चली जाए? कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में फर्क आएगा? नहीं, हमारा मकसद है एक वतन बनाना। एक ऐसा वतन जो हर तबके के लोगों को साथ जीने का मौका दे। एक ऐसा वतन जो मजहब के नाम पे बंटवारा ना लाए। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। और ये सपना मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये मिट्टी देख रहे हैं लाला जी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में मेरे कई भाइयों बहनों का रक्त मिला हुआ है और इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि अपना मकसद, अपना मुकाम कभी भूल ना सकूं। सच कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है। अच्छा भगत सिंह, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? जी लाला जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइमन कमीशन भारत आ चुका है और ये कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है। चंद अंग्रेज मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कितनी आजादी मिलनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, वो होते कौन है ये तय करने वाले?
आपने बिल्कुल सही कहा लाला जी, वो होते कौन है ये तय करने वाले। लाहौर स्टेशन पर जब ये कमीशन उतरेगा तो सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ, लेकिन एक वादा रहे भगत सिंह, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तुम लोगों को शांत रहना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी अंग्रेज को हाथ नहीं लगाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ लाला जी, हम केवल नारे लगाएंगे। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रुक जाओ, बड़े बेईमान नहीं होगी। इंकलाब जिंदाबाद, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। सिपाहियों मानो इन्हें, मार दिए। हम अपनाएंगे। 3 फरवरी सन 1918 मुंबई साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय साइमन्स के दिए गए आदेशों के कारण लाठीचार्ज के दौरान घायल हो जाते हैं और फिर उनकी कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। जब ये बात आजाद और भगत सिंह को पता चलती है तो वो लोग इसका बदला लेने का निश्चय करते हैं और फिर 17 दिसंबर सन 1928 में राजगुरु और भगत सिंह ने मिलकर सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। फिर 8 अप्रैल सन 1929 में अंग्रेज सरकार ने 2 दमनकारी बिल सेंट्रल असेंबली में पेश किया, जिसका विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। और फिर वो लोग वही गिरफ्तार हो गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे साथी नेता अब जेल में हैं, उनके बिना ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ सकता है। और अब तो हमारे बीच पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी नहीं रहे। क्यों नहीं चलेगा ये आंदोलन, हम हाथ पे हाथ दिए बैठे नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इन्हें भी नारी शक्ति का बल दिखाना होगा। अभी तक तो इन्होंने केवल नारियों की आवाज सुनी है, नारी शक्ति क्या होती है इन्हें अब पता चलेगा। यहाँ कोई किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ और विधवा पत्नी बैठी है और इन सबका मकसद सिर्फ एक है, आजादी, या तो मांग कर या तो छीन कर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब बात है 27 फरवरी सन 1931 अल्फ्रेड पार्क प्रयाग इलाहाबाद। जब आजाद उस पार्क में रहते हैं तभी एक गुप्तचर वहां उन्हें देख लेता है और उसकी सूचना पुलिस वाले को दे देता है। सुखदेव, मैं जानता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब फेंकने से मना किया था। अब आप क्या कीजिएगा आजाद भाई? मैं भगत सिंह को फांसी नहीं लगने दूंगा। अगर हमें क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो भगत सिंह को बचाना ही होगा। मेरी मानिए तो आप ये देश छोड़कर चले जाइए। नहीं सुखदेव, मेरा शरीर इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
Pasman, IPS. Sir, you have served in many capacities like Sub-Registrar, District Sub-Registrar, Sub-Division Magistrate, Darbhanga, and Assistant Inspector, General of Police, Kaushik Rihod. Sir, you are currently Chairman of Birla Open Minds. I will request you to kindly come on stage and address the gathering. Jai Hind, respected Father Joseph Celestin, S.J. Rector, respected Father Dr. Martin Porras, S.J. Principal, and respected Father Dr. Sushil Dinam, S.J. Vice Principal, and all the teaching staffs. Adarmiya, प्रिंसिपल एवं प्रिंसिपल के शिक्षक सब सभी कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, भारत को आज़ाद हुए आज 76 साल पूरे हो चुके हैं और देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिए थे, जिनमें श्री स्वर्गीय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर। इस यादगार के दिन की साल मिलन को हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सभी भारतीयों के लिए गौरव एवं एकता का दिन है। मैं संत जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर अपने विचार रखने का मौका दिए हैं। मेरा मानना है कि देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इस कॉलेज में अग्रसर है। इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 2012 में हुई। इस कॉलेज के छात्रों इस कॉलेज में छात्रों को मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी की क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिससे आप छात्रगण की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। इस कॉलेज में छात्रों का शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट की जाती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत एवं इवेंट के माध्यम से आप छात्रों को बहुमुखी प्रतिभाएं प्रदान की जाती है तथा चरित्र निर्माण होता है। जिस तरह सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान गंगा किनारे पर स्थित है, उसी तरह कॉलेज का मोटो भी प्रवाहित गंगा ज्ञान गंगा प्रवाह है, जिसे हम लेट द स्ट्रीम कीप फॉलोइंग का नाम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। For this, we would like to call Father Joseph Sebastian S.J., our Rector, Father Dr. Sushil Dilok S.J., our Vice Principal, and editors of the book, Dr. Kalpana Kumari and Father Dr. Martin Porras S.J., to come on stage. Invite Professor Ajay Kumar to kindly come on stage and call out the names of winners and participants of two different events. Happy Independence Day. I am here to invite the members of Xavier Theatre Club who won third prize in the skit competition organized by Akashwani with the collaboration of Department of Journalism, MIT University. Let's put our hands together to acknowledge their achievement. I request Mr. Baswan, the director of the skit,
please come forward and receive the certificate on behalf of his team members. Let's welcome them with a huge round of applause. I request Mr. Anish to come forward and receive the certificates on behalf of other participants. On 31st of July, Sports Committee organized carrom tournament for our staff members. And here are the winners. Mr. Neeraj Kumar and Mr. Pingal Kazuru. And the runners-up were Mr. Vikas Kumar and Mr. Abhishek Anand from BA JMC department. Our celebration with a vibrant and energetic dance performance, for which I would like to call members of Xavier's Dance Club. Please give a big. Poetry has always been a powerful medium to express emotions and ideas. Let us now invite
Prajwal from BCP3 to recite a soulful, stirring poem that captures the essence of patriotism and freedom. मैं उनको शब्द चाहता हूँ हिंद जिनकी जान था नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर और बदन पे बनी थी बेड़ियां दिल मगर राजा था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था को करता हूं और इस तरह बैठे सही महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं प्रज्वल आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपनी कविता के साथ। दोस्तों आज बहुत सारी पुस्तकें ये पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त को मध्य रात्रि के बीच दो दस्तावेज पर दस्तक हुए और आजादी हमारी छोली में आ गई। माफ कीजिएगा ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था दी जवानी जुनून दिया था खरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की और राजनीति से मिली नहीं है नहीं खरीदी पैसों से सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से और मां ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। जब पूरे विश्व को चिन्ह ज्ञान तो छोड़ी अक्षर ज्ञान तक नहीं था तब हमने चार वेदों की रचनाएं कर दी थी। इस मिट्टी से निकला हुआ एक पत्थर जिसे दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है उसे खरीद सकी थी हैसियत दुनिया के किसी दौलत में नहीं थी। तब जाकर अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब कहा यूनान और मिश्रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात जो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी अरे ये सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों जब बात भारत देश के ऊपर हो रही है तो बात भारत के युवाओं पर भी होनी चाहिए क्योंकि भारत वह देश है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। तब कहता हूं कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान किया भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की और खिल रही थी रोम रोम में असवाउल्लाह खान के वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। लेकिन जब बात मैं युवाओं की करता हूं तो आज आपके और हमारे बीच में ऐसे कुछ युवा है जिन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का अंतर नहीं मालूम है। तब जाकर कहना पड़ता है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए कभी चुम्बन तो कभी चेहरे तो कभी चालों पे मर गए। अरे ऊपर बैठे भगत सिंह और सुखदेव भी सोचते होंगे अरे हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। लेकिन हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा कैसे याद रखा बस दो पंक्तियों बताना चाहूंगा कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते वो तो अच्छा हुआ नोट पे छप गए वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। दोस्तों आज की युवा पीढ़ी प्रेम की बात करती है मोहब्बत की बात करती है मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन ये कहा गया है कि मोहब्बत यदि मन से हो उसे भावना कहते हैं मोहब्बत यदि तन से हो उसे वासना कहते हैं लेकिन मोहब्बत यदि वतन से हो उसे आराधना कहते हैं। आज की युवा पीढ़ी देश प्रेम से ज्यादा इश्क में डूबी हुई है। तब जाकर यह कहना पड़ता है कि प्रकृति पावन प्रकृति सावन प्रकृति धरती का कहना है पर्वत विराट नदियां चंचल मेघदूत का कहना है पर्वत विराट नदियां चंचल मेघदूत का कहना है माँ यशोदा माँ कौशल्या माँ एहसान खुदा पर है इश्क में तुम हो इश्क में हम है इश्क में धरती अंबर है मानता हूं इस दुनिया में आज तलक भी अमर इश्क है लैला मजनू के किस्से या मुमताज की कब्र इश्क है इश्क अभी है इश्क यहाँ इश्क ही तब था इश्क वहां इश्क ही सांसे इश्क ही मुक्ति इश्क ही जीवन इश्क ही बंधन पर कालखंड की पंचायत में इतिहास गवाही देता है और इश्क में डूबे सुल्तानों को हर दौर तबाही देता है और उसी मुल्क को विजय तिलक की सुर्ख स्याही देता है जहां सीमा वर्मा रणचंडी को खून सिपाही देता है और जब इतिहास गवाही देता तो कलंक नहीं ये होता है सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। इसीलिए मैं चीख रहा हूं जिंदा हम में रोष रहे इतिहास गवाही जब भी दे ये दौर सदा निर्दोष रहे। और अंत में कहना चाहूंगा कि सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी
सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी और तिमिरती घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में प्यार नहीं डालता। भारत की आन में शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, और लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। धन्यवाद। And here we invite Isha Tanna of BCP2A to propose the vote of thanks. That the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. On behalf of St. Xavier's College of Management and Technology, I, Isha Tanna from BCP 2nd, feel privileged to propose the vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest of the day, Shri Vidyanand Pasman, our rector, principal, vice principal, members of the management and other dignitaries, for gracing the occasion and making this event a successful one. My sincere thanks to all our professors for this constant guidance. I thank Mr. Piyush Ranjan Sahai, Dean of Activities, and Dr. Rachna Thakkar, Chair Cultural Committee, for their valuable suggestions and encouragement. My special thanks to the anchors of the day, Abhya and Harsh, for hosting this event efficiently. I extend my deep sense of appreciation for the contribution made by the technical and support staff to ensure the smooth flow of this program. I also thank the members of the Department of Journalism and Mass Communication for photography and videography. Last but not the least, I thank all of you present here for being such a wonderful audience, and I wish you all a great and successful journey ahead. Thank you for your precious time and attention. Jai Xavier, Jai Bharat.